झारखंड नव निर्माण संकल्प सभा जो आयोजित हुए, लाखों की संख्या में जो है लाखों की संख्या में रोजगार युवा झारखंड के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से लोगों ने आए और हम लोगों का जो जन समर्थन दिया उनके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं और आभार व्यक्त उनको करते हैं। कल का जो हम लोगों का नौ झारखंड नव निर्माण संकल्प सभा था, आपने देखा कि किस तरीके से जो युवा साथी हैं रोज में सरकार से व्यथित हैं, उनके नियत से, उनके सरकार का जो असफल जो 5 साल का कार्यक्रम रहा युवाओं के लिए जो है, क्योंकि सरकार आई थी 5 साल पहले युवाओं के मुद्दे के ऊपर में आई थी, उन्होंने युवाओं को जो वादे किए थे वो वादों को सरकार जो है इसी तरह सरकार जो है असफल रही उसको पूरा करने में जो है सो, और इसका रोष आपको कल देखने को मिला जो है। लाखों की संख्या में युवा हैं और सरकार के खिलाफ जो है अपना उन्होंने एक तरीके से अपना एक गुस्सा जाहिर करने का प्रयास किया जो है, और इस राज्य में आपको बताना चाहते हैं कि अब 2.8 लाख जो है सो जो पद खाली हैं, वैकेंट पोस्ट हैं वो, तो हम लोग का जो इस अभियान के माध्यम से प्रयास हुआ कि जो है कि इस सरकार जो है सो इसमें निरंतर जो है सो 2.8 लाख वैकेंट पोस्ट है, इसके लिए सरकार को जो है सो और जल्दी से जल्दी इसका भरना चाहिए जो है, इसके लिए काम करना चाहिए और आने वाले समय में जो है सो देख सकते झारखंड जो राज्य जैसा है बेरोजगारी के मामले में तीसरे स्थान पर जो है सो, तो अगर हम लोग का जो बायोडाटा संग्रह अभियान था इसमें से इस अभियान में मोर देन 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने हम लोग समर्थन दिया है जो है सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से, उनको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोगों का जो ये अभियान जो है सो बायोडाटा संग्रह अभियान कंटिन्यूस चलते रहेगा, और साथ साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो बायोडाटा अभियान जो है इसके माध्यम से हम लोग पास बहुत सारी जानकारी आई है युवाओं के लिए विषय से रिलेटेड जो है सो, उनके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में आंसू पार्टी जो है सो और युवा आंसू के माध्यम से जो है सो युवाओं के लिए बहुत ही एक स्पष्ट नीति लाएगी और अच्छा एक नियम बनाएगा और अच्छे एक ट्रस्ट के साथ में विश्वसनीयता के साथ में जो है सो एक स्पष्ट युवा नीति ला करके उनके लिए काम करेंगे जो है सो, और हमारे जो संघर्ष जो स्टार्ट हुआ युवाओं के लिए बायोडाटा संग्रह अभियान जो स्टार्ट हुआ है उनकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, ये लड़ाई जारी रहेगा जो है सो। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप लोग जितने मेरे प्रेस के जितने मेरे साथी थे लोग हैं सब लोग कल का अभियान में इसके पहले का अभियान में आप लोगों ने जिस हिसाब से आप लोगों का सहयोग रहा उसके लिए हम लोग कृतज्ञ व्यक्त करते हैं। और हम लोग का आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि कल का जो कार्यक्रम था इसमें आंसू पार्टी के एक अंग युवा आंसू का ही योगदान था, उन्हीं के प्रयास से उनके सहयोग से सफल हुआ जो है सो, उन सभी अपने साथियों को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी हमारे साथी गौतम जी जो है अपनी बात करते हैं। कल जो हमारा झारखंड नव निर्माण संकल्प सभा आयोजन प्रभात तारा मैदान में हुआ, उसमें दर्जनों की संख्या में युवाओं ने अपने विचारों को रखा है, हम उनको उसको संकलन करके आपके समक्ष रखना चाहते हैं। युवाओं ने अपनी बातों को रखते हुए साफ साफ कहा है कि उनके लिए पूरे 4.5 साल में झारखंड सरकार की ओर से कोई स्पष्ट नीति नहीं नजर आई और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था उसको भी वो पूरा नहीं कर पाए और पूरे राज्य के युवाओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। कल हमारे झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा के दौरान जो युवाओं ने जो कई मुद्दों को रखा है उसमें मैं कुछ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। युवाओं में रोष है क्योंकि निजी क्षेत्र में स्थानीयों को आज भी 75% जो भागीदारी सुनिश्चित करने की बात थी सरकार की तरफ से वो आज तक नहीं हो पाई है। 25 करोड़ से कम का जो ठेका था वो भी हमारे स्थानीय युवाओं को मिल रहा था, उसके वो भी धरातल पर उतर नहीं पाया है। साथ ही साथ नियुक्ति वर्ष का ढोल जो हर वर्ष हेमंत सरकार बजाती रही थी उसके विपरीत ये तमाम उनका वर्ष गुजरा, रोजगार देने के आश्वासन पे हेमंत मुख्यमंत्री थी हेमंत साहब वो खरा नहीं उतर पाए। हम झारखंड के नवनिर्माण के लिए आह्वान कर रहे थे युवाओं का, तमाम बेरोजगार युवाओं ने हमारा साथ दिया है और आने वाले समय में उनके जो विचार हैं उसको संकलित करके हम लोग कैसे उनको आगे अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग उनके लिए कैसे स्पष्ट नियत और विश्वसनीयता के साथ उनको रोजगार दिला सके और नए पद भी हम लोग सृजित कर सके, क्योंकि आपको पता है राज्य में जो आज के डेट में जो सृजित पद है वो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, आज आवश्यकता राज्य को उससे कहीं ज़्यादा की है। तो अगर आने वाले समय में अगर राज्य के युवा हमारे साथ जुड़कर सरकार को
बेदखल करने का काम करते हैं और हमारी सरकार बनाने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं युवाओं को कि हम लोग नए पद का भी सृजन करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक अन्य मुद्दा भी आया है जो युवाओं ने कल अपने वक्तव्य में कहा है कि यहाँ पे जो वादा हुआ था कि हर प्रखंड में खेल के स्टेडियम बनेंगे वो भी धरातल पर नहीं उतर पाई है और आज की डेट में खिलाड़ियों को नौकरी देने में हम बिहार से भी पिछड़ गए हैं। तो ये हमारे लिए जो झारखंड में जो खिलाड़ियों की एक जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे पूरे ईस्ट जोन में तो खिलाड़ी झारखंड से निकलते हैं, ऐसे में खिलाड़ियों से भी न्याय यहाँ की सरकार नहीं कर पाई है और हम चाहेंगे कि ये सरकार को अब युवा एक साथ मिलकर बेदखल करें और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़े, हम उनके लिए स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़े। लेकिन सवाल तो ये जेएमएम करेंगे जो 5 सीट पे लड़े हैं और सरकार की बात कर रहा है कि सरकार में ऐसे काम होगा वैसे काम होगा, बड़ा हास्यास्पद है। हमने पहले भी कई काम किए हैं, जेएमएम को ये समझना चाहिए कि हम लोग पूर्व में भी 5 सीट 6 सीट जीतते हुए भी इसी झारखंड में जो वर्षों से लंबित पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाए थे वो कराए हैं, उनमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। तो हमने कई ऐसे काम किए हैं और वो काम धरातल पे आज दिखते हैं, हमने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है, तो ये चीज़ उनको देखना चाहिए। वो सिर्फ संख्या देख रहे हैं, उनको नियत देखना चाहिए। हम स्पष्ट नियत के साथ जाएंगे और जो हम वादा करेंगे वो करके दिखाएंगे। वो संगठन की बात कर रहे थे, आसू पार्टी जो है उनका संगठन सीमित है। कल आपने देखा कि ये बहुत कम समय में हम लोग कल का जो कार्यक्रम था, लाखों की संख्या में जो युवा जो आए कल प्रोग्राम में, बहुत कम समय में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत कम समय मिला था हम लोग को। जैसे 8 से 10 दिन में देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग आए, तो पता चलता है कि हमारा जो संगठन जो है, संगठन की जो बात करते हैं कि इनका संगठन कितना कमजोर है या सीमित है, अब देख सकते हैं कि हमारा एक छोटा सा आसू पार्टी का नया युवा के माध्यम से जो कल का कार्यक्रम हुआ, एक छोटा सा जो अंग है किस तरीके से वो मजबूती के साथ काम कर रहा है और हमारा संगठन जो है पूरे राज्य में जो है सो युवा आसू का जो है जो मुख्य तरीके से ये काम कर रहा है। साथ साथ में ये भी है कि हमारा युवा आसू का जो एक छोटा सा जो हमारा जो प्रयास युवा आसू के माध्यम से जो था वो सफल रहा है, तो ये बोलना गलत है कि आपका जो है पार्टी आपका जो है कि सीमित जगहों पर आपका जो संगठन जो है सीमित दायरे में जो है। कल के कार्यक्रम में जो युवा जो आए थे तो राज्य के डिफरेंट जगह से, गांव से, पंचायत से, विलेज के लोग आए हुए थे। ये बात तो सही है कि आपके 2 ही विधायक जीते थे 19 में, कैसे सरकार का नीति तय कर लीजिएगा, नीति तय कर। देखिए 2 विधायक जीते थे लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वोट शेयर क्या था, वोट शेयर उसमें जो हमारा जो पिछला जो चुनाव था, आप देख सकते हैं हमारे हम लोग को वोट शेयर क्या, बहुत सारे ऐसे सीट थे जो है हम लोग लास्ट समय जब चुनाव में कर किए थे तो 8 से 10 सीट ऐसी थी हम लोग दूसरे पायदान पर थे, हम लोग का एक बहुत बड़ा चंक वोट शेयर जो है सो और वोट हम लोग को मिला था जो है सो। देखिए नेतृत्व अगर मजबूत हो तो संख्या जो है वो मायने नहीं रखती है। मैं इसको इस तरीके से तोड़ के देखना चाहता हूँ कि आज के डेट में जेएमएम की संख्या तो अधिक है लेकिन सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ की है और सबसे ज़्यादा पलायन जो है संथाल परगना से होता है। तो ये चीज आप संख्या से अगर उसको तोड़ के देखेंगे तो नियत और संख्या दोनों अलग अलग चीज। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in